Let's discuss the rest of the questions firstly. चलिए सेट ए का नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd क्वेश्चन फ्रॉम द सेट ए. यू हैव टू मैच द कॉलम वन विद द कॉलम टू. मैग्नीशियम है, कार्बन है, ब्रोमीन है और एल्यूमिनियम है. तो उसमें से आपको ऑप्शंस है मेलेबल, नॉन मेटल, डायमंड, ग्रेफाइट एंड मेटल. तो मैग्नीशियम इज अ मेटल, वी ऑल नो. ठीक है, कार्बन कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट. ब्रोमीन नॉन मेटल है और एल्युमिनियम जो है वो मेलेबल है. तो 32nd का आंसर बनता है सी. ओके एंड 32nd ऑन द अदर साइड. अगेन यू हैव टू मैच द कॉलम्स. नोबल गैस इसमें से कौन सी है? गोल्ड, यूरेनियम, हीलियम एंड फॉस्फोरस. तो हीलियम इज द नोबल गैस. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स गोल्ड, यूरेनियम, हीलियम और फॉस्फोरस. उसमें से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? दैट इज फॉस्फोरस. ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें से कौन सा है? गोल्ड है. और इनर ट्रांजिशन इसमें से यूरेनियम है. सो योर करेक्ट आंसर इज ए. 33rd, द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज. आयनिक रेडियस कैटायन का छोटा होता है, लेस देन द एटॉमिक रेडियस. सो द करेक्ट आंसर इज अगेन ए. और दूसरी तरफ आपका क्वेश्चन है आयनिक रेडियस ऑफ एनायन. तो एनायन का हमेशा बड़ा होगा. सो द करेक्ट आंसर इज बी. उसके बाद 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शो अ क्लियर पीरियोडिक वेरिएशन डाउन अ ग्रुप. इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो वेरिएशन शो करती हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, आइसोटोप्स, केमिकल इनर्टनेस एंड ऑर्बिटल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ए. आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. और दूसरी तरफ 34th का आंसर है द साइंटिस्ट हु मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो ये आपको पता होना चाहिए. मेंडलीव, कैडविक ऑप्शंस हैं. कैडविक ने तो क्या डिस्कवर किए थे? हाँ जी, कैडविक ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन्स. कैडविक, रदरफोर्ड, डॉबिमियर. ठीक है, तो मेन जो इसमें थे कॉन्ट्रीब्यूशंस दे वर बाय द मेंडलीव एंड न्यूलैंड. एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम. वेरी इजी क्वेश्चन कि फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं. तो वो आपको पता लग जाना चाहिए था, पोटेशियम. सो द करेक्ट आंसर इज डी. यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर नोन एज चालकोजेंस. तो चालकोजेंस हम ऑक्सीजन वालों को कहते हैं. सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स. 36, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम सब ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज जनरली द सेम. जो सेम सब ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं उनका क्या सेम होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आना है एलिमेंट्स की जगह. ठीक है, और दूसरी तरफ आपसे पूछा था स्क्रीनिंग ऑर्डर. सबसे ज्यादा स्क्रीन कौन करते हैं? सबसे ज्यादा स्क्रीन करते हैं एस, देन पी, देन डी एंड एफ. तो ये ऑर्डर बनता था आपका स्क्रीनिंग का. सो हियर द ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फिगरेशन, वेरी इजी. बी इज द करेक्ट आंसर. और दूसरी तरफ आपको ट्रांजिशन मेटल्स की पूछी थी, डी ब्लॉक की. तो डैट इज करेक्ट आंसर ई है. एन एस 1 to 2, एन माइनस 1, 1 to D. फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन पूछी थी आपसे. एक तरफ कार्बन एटम पे पूछी थी, इन दी कार्बोनेट आयन, तो वो जीरो है. और दूसरी तरफ NH4 पॉजिटिव पे पूछी थी नाइट्रोजन के ऊपर, एंड दैट इज 1. तो
तो यहां पर आंसर बनता है आपका ए और यहां पर आपका आंसर बनता है बी। इनमें से किसकी टी शेप है 39th, विच इज हैविंग द टी शेप, तो कितनी बारी करवाया हुआ था CLF3, CLF3 इज हैविंग द टी शेप। शेप तो आपको हाइब्रिडाइजेशन की मैंने इतनी अच्छे से करवाई थी, फिर भी पता नहीं क्या करके गए हो बेटा आप। और दूसरी तरफ आपसे पूछा था कि जीरो डाइपोल मोमेंट किसकी है, तो जीरो उसी की होगी जो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, तो लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको एक्स वाई जेड पूछे गए हैं, एक्स वाई जेड एंड यू, तो जब आप उसकी बैलेंसिंग करोगे यू विल बी गेटिंग द ए एज करेक्ट ऑप्शन। और दूसरी तरफ भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग पूछी गई है, तो डी एज द करेक्ट ऑप्शन, एक्स 8 है वाई 3 है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द केस स्टडी, क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन था, तो क्वांटम नंबर्स में से आपने ये बताना था कि कौन से जो हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में प्लेस्ड हैं, ठीक है। सो 41st का करेक्ट ऑप्शन था ए, N4L1, ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने आई गेस आपको करवाया भी था, N4L1, हाँ जी, तो ये क्या बन जाएगा 4P बन जाएगा, तो आपने देखना था कि 4P पहले अरेंज करना है, 3D अरेंज करना है, ऐसे करके आपने सारे निकाल लेने थे पहले, जैसे N4L0 है तो ये बनता था 4S, तो आपने देखना था 4S पहले लिखा जाता है कि 4P लिखा जाता है पहले, तो द करेक्ट ऑप्शन वॉज ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3D सबशेल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 27, 27 कौन सा एलिमेंट है, हाँ जी 27 कौन सा एलिमेंट है, कोबाल्ट, तो आपने कोबाल्ट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने थे कि 3D शेल में वो कितने हैं, कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, आर्गन 18, 3D 7, 4S2, तो बिल्कुल सिंपल था, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट आंसर इज ए। 43 में आपने बतानी थी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सी इज इनकरेक्ट। 44 में आपने करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था रेडियाई का, क्या क्या गिवन थे आपको, सोडियम सिलिकॉन एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस, ठीक है जी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे कम रेडियाई किसका होगा, अगर आप इसको अरेंज करो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, ठीक है जी, यहाँ पर ये नीचे आएगा बोरोन एल्यूमिनियम, अरेंज कर लिया, ठीक है। अब सोडियम तो बिल्कुल एस ब्लॉक में आएगा, तो उसका तो रेडियाई ज्यादा ही होगा, ठीक है, तो हमें पता है ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम। अब इन तीनों में से देखना था, इन तीनों में से सबसे लास्ट में कौन है, पी, यानी कि सबसे कम पी का आना था, फिर उसके बाद SI का आना था, सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, और इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बनता था सी। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बतानी थी आपने, किस तरफ इंक्रीज हो रही है, आउट ऑफ सिलिकॉन फॉस्फोरस कार्बन एंड नाइट्रोजन, हाँ जी, किसकी सबसे ज्यादा होगी, द करेक्ट ऑप्शन वॉज सी, सिलिकॉन की, फिर फॉस्फोरस की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही बताना है, तो सबसे कम नीचे वाले की इसकी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इस अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, जब आप इधर को जाओगे तो वो ज्यादा होगी, बट जब आप नीचे जाओगे तो वो कम होनी शुरू हो जाएगी, तो सबसे कम सिलिकॉन की है, फिर उससे कम फॉस्फोरस की है, उससे कम कार्बन की है, फिर नाइट्रोजन, सो दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता था सी। एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड द केस स्टडी क्वेश्चंस दे वर फ्रॉम द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, तो इसमें 41 में हाइजेनबर्ग ने किसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताया था कि हमने एग्जैक्ट साइमल्टेनियस किस किस की नहीं कर सकते हैं,
तो पोजीशन एंड मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली नहीं मेजर कर सकते, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन जीरो है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगी, 1/0 इज इनफिनिटी, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में आपको दी गई थी, आपने पोजीशन में निकालनी थी, तो ये आपने सॉल्व कर लेना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4π के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। द एलिमेंट विद मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? फ्लोरीन क्लोरीन वाले एलिमेंट्स, तो सीधा आपने लिख देना था, ग्रुप उनका 17 है और पीरियड उनका 2 है, सो करेक्ट ऑप्शन वॉज ए। कंसिडरिंग बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, दे आर नॉन मेटेलिक करेक्टर, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड सिलिकॉन नॉन मेटेलिक करेक्टर, इस अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होना चाहिए था? फ्लोरीन होना चाहिए था, ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद कार्बन है, कार्बन के बाद बोरोन है, और जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो अगेन नॉन मेटेलिक करेक्टर कम हो जाएगा, तो सिलिकॉन। तो ये करेक्ट ऑप्शन था, और 45 का सी बनता है करेक्ट। एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क बेटा, आई हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन पेपर विद यू, किसी को कोई डाउट है? अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल हैव नॉट अटेम्प्टेड वेल। हाँ जी नमन, कैसा हुआ था पेपर? चलिए, फ्रॉम टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग अवर ऑर्गेनिक, ठीक है। तो हम नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, दैट वाज नॉट कंप्लीटेड येट, तो नॉमेनक्लेचर के आगे रूल्स पढ़ते हैं और एक दो फिर हम उसमें एग्जांपल्स करेंगे। पहले मैं आपको नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स बता देती हूँ जो आप करके आए हो, राइट, जस्ट अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं नॉमेन, सबसे लंबी वाली जो चेन है आपने वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सो द फर्स्ट रूल इज लॉन्गेस्ट चेन रूल, ओके। सेकेंड वन लोएस्ट लोकेंट रूल, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं, उनको सबसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने वहां से उनकी नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, ओके। देन है आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नंबरिंग है वो करनी है, यानी कि अल्फाबेट जो पहले आएगा आपने उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है, ठीक है, दिस इज द रूल। उसके बाद नेक्स्ट, अगर डबल चीजें लगी हुई हैं तो यू विल बी यूजिंग द वर्ड डाई ट्राई टेट्रा, ओके। जैसे डाइन हो गया, डाई आयन हो गया, ट्राइन हो गया, ट्राई आयन, ठीक है। ये सिंपल एल्काइल ग्रुप्स के लिए है। अब अगर आपकी चेन में एल्कीन्स और एल्काइन्स भी आ रहे हैं, अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो हमने प्रेफरेंस किसको देनी है? सबसे पहले डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग भी हमने वहीं से स्टार्ट करनी है, फिर हमारा ये वाला रूल जो है वो क्रॉस हो जाएगा। चाहे हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है या नहीं बन रही है, हमने सबसे पहले एल्कीन्स और एल्काइन्स को क्या देनी है? प्रेफरेंस देनी है, ओके। अगेन इनको हमने कौन सा सेट देना है? लोएस्ट नंबर वाला सेट देना है, कि हमारे एल्कीन्स या एल्काइन्स को क्या मिले? सबसे कम नंबर मिले, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज मेरे एक स्ट्रक्चर में या एक कंपाउंड में एल्कीन और एल्काइन्स दोनों को सेम सेट मिल रहा है लोकेंट का,
ठीक है, अगर मेरे एल्कीन और एल्काइन दोनों को सेम लोकेंट का सेट मिल रहा है तो हमने लोएस्ट लोकेंट सेट देख लेना है, सबसे कम से कम नंबर क्या मिल रहा है, ठीक है। बट अगर उनका जो सेट है वो सेम नहीं है, अगर वो डिफरेंट है, इफ द सेट इज डिफरेंट, लोकेंट सेट इज डिफरेंट, तो फिर हमने क्या करना है, इन दैट केस वी विल बी गिविंग द प्रेफरेंस टू द एल्कीन। अगर तो लोएस्ट लोकेंट सेट दोनों के लिए सेम आ रहा है, जैसे मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ तो भी 1,3 बन रहा है, और मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ तो भी 1,3 बन रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस वी विल बी सीइंग द लोएस्ट लोकेंट सेट। बट अगर वो सेट जो है वो दोनों तरफ से डिफरेंट बन रहा है, ओके, देन वी विल बी गिविंग प्रेफरेंस टू द एल्कीन, तो हमने एल्कीन को प्रेफरेंस देनी। ओके, चलिए राइट डाउन द नेमिंग नाउ। तो मैंने आपको रूल्स जो हैं वो थोड़े रिवाइज करवा दिए हैं, अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन चलिए नेमिंग करो, सॉल्व और आंसर बताओ मुझे। मैम 3-methyl-but-1-ene। वेरी गुड, सो दैट इज 3-methyl-but-1-ene। कैसे आया, अब हमने इसको प्रेफरेंस देना है सबसे पहले, तो 1, 2, 3 and 4, ठीक है, हमारा ये मिथाइल ग्रुप जो है इट इज ऑक्यूपाइंग द थर्ड पोजीशन, तो 3-methyl, ओके, फिर 4 carbon की चेन है, वर्ड रूट बन जाता है ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, सो वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए, चलिए अब इसका आंसर बताइए। हाँ जी बेटा, इसकी नेमिंग मैम 3-ethyl-H1-ene-5-ion, सो दैट इज 3-ethyl, ये निकल गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, सॉरी साइड ग्रुप, उसके बाद 3-ethyl कितने की चेन है हमारी, 6 की चेन है, 3, 4, 5 and 6, तो 6 की ये चेन है 3-ethyl-hex। अब आपके पास डबल बॉन्ड भी है, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है, अब हम यहां से प्रेफरेंस देखेंगे, अगर आपने दोनों तरफ लोकेंट सेट देखोगे, तो यहां से जो आपका लोकेंट सेट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 1, 2, ठीक है, 1 बन रहा है और 5 बन रहा है, अगर मैं इधर से देखूं, और अगर मैं इधर से देखूं तो डेट इज 1 and 5, दोनों तरफ सेम बन रहा, दोनों तरफ से सेम बन रहा है ना, तो हम जिस मर्जी ऑर्डर से दे सकते हैं उनको नंबरिंग, ओके, चाहे आप इस अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो, चाहे आप इस अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। अभी मैंने बताया ना, अगर लोकेंट सेट दोनों में सेम बन रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
ठीक है, सो दैट इज 3-ethyl hex. अब पहले इन लिखें कि पहले आइन लिखें? हाँ जी, पहले इन लिखें कि आइन लिखें? क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इन पहले आती है, ठीक है, तो इन का जो आपका नंबर है वो 1 है, तो 1 इन, और जो आइन का नंबर है वो 5 है, तो 5 आइन, ठीक है, सो दिस इज द नेम. ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट लिखो. चलिए इसकी नेमिंग बताओ बेटा. मैम 3,3-dimethylbut1-ene. सो दैट इज 3,3-dimethyl. ब्यूट 1-ene. यहां से आपने नेमिंग स्टार्ट करनी है. दीज टू आर द साइड चेन ग्रुप्स. किस पोजीशन पे लगे हैं? 3 पोजीशंस पे लगे हुए हैं, तो डाई आएगा क्योंकि 2 लगे हुए हैं, तो 3,3-di. कौन से ग्रुप्स हैं? मिथाइल ग्रुप्स हैं. 4 की चेन है तो ब्यूट लिखा है. फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो बुट 1-ene. ठीक है जी, अब नेक्स्ट लिखिए. मैम 4-methylpent-1,3-diene. दैट इज 4-methyl. पेंट कितने नंबर्स हैं? 1,3-diene. वेरी गुड, दैट इज 4-methylpent-1,3-diene. तो हमने नेमिंग यहां से स्टार्ट करनी है, 3-4 एंड, ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए. हाँ जी, लास्ट वाले का. इसका आंसर बताओ. मैम पेंट 1-ene-3-ene. आपने नंबरिंग गलत की हुई है.
नंबरिंग गलत है। लोएस्ट लोकिन सेट के अकॉर्डिंग देखो अगर तो दोनों सेट डिफरेंट बन रहे हैं तो आपने प्रेफरेंस जो है वो एल्कीन को देनी है। अभी मैं ये रूल बता के आती हूँ आपको। मैम पेंट टू इन और फोर आइन। अभी भी गलत है, ये आपने रॉन्ग सेट चूज किया हुआ है। देख लेते हैं दोनों साइड से क्या आंसर आता है। यहां से अगर मैं देख रही हूं तो सेट बन रहा है 1-3 और अगर मैं यहां से देख रही हूं तो सेट बन रहा है 2-4। विच सेट वी विल बी प्रेफरिंग, हम कौन सा सेट प्रेफर करेंगे? हम 1-3 वाला सेट प्रेफर करेंगे। मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, आई गेस आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, हम 1-3 वाला सेट प्रेफर करेंगे। तो दिस इज द सेट, अब इस अकॉर्डिंग बोलो। हाँ जी नमन, क्या आंसर है? पेंट पेंट 3 in 1 9। सो दैट इज पेंट 3 in 1 9। अगर आप इस अकॉर्डिंग लिखते तो फिर वो आंसर गलत हो जाना था आपका। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बता के हटी हूँ कि अगर आपके दोनों लोएस्ट लोकेंड के सेट डिफरेंट आते हैं सो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एल्कीन नॉट एल्काइन। अब इसका बताओ। हाँ जी, इसका आंसर बताइए नमन। मैम टू आइडो पेंट 3 in। अभी भी गलत है, अब नंबरिंग क्यों गलत बोल रहे हो सहज? देखो एक बारी फिर से दोबारा। मैम टू आइडो पेंट 3 in। रमन दोबारा बोलो। मैम टू ओडो पेंट 3 in। अब एक तरफ आपका ये ग्रुप है और एक तरफ आपकी एल्कीन है। वी विल बी गिविंग प्रेफरेंस टू एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन को प्रेफरेंस देंगे। एल्कीन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब एल्कीन को दोनों तरफ से क्या नंबर मिल रहा है? एक तरफ से 2 नंबर मिल रहा है और एक तरफ से आपको 3 नंबर मिल रहा है। कैन यू सी? एक तरफ से अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो उसको 2 नंबर मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो उसको 3 नंबर मिल रहा है। तो विच सेट वी विल बी प्रेफरिंग, वी विल बी सेटिंग, वी विल बी प्रेफरिंग दिस वन। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो फिर। अब बताओ, अब बताओ क्या आंसर है? 4 आइडो पेन 2 इन। रिपीट करो अदिति। 4 आइडो पेन 2 इन। राइट, सो दैट इज 4 आइडो पेन 2 इन। नाउ डू द नेमिंग फॉर दिस। नाउ इसमें आपने चेन बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी है। केयरफुली सिलेक्ट द चेन, लॉन्गेस्ट चेन बननी चाहिए क्योंकि इसमें एल्कीन्स नहीं है, सिर्फ साइड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एल्कीन एल्काइन कुछ भी नहीं है। और जब आपके चेन में सिर्फ साइड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं देन गो फॉर द मैक्सिमम चेन सिलेक्शन।
हाँ जी जल्दी, टाइम इज गोइंग टू बी ओवर. जल्दी बोलो. मैम 3-methyl-3-fluoro, 5-methyl-5-fluoro हेप्टेन. आपने पहले मिथाइल ग्रुप बोला है, क्यों? सी पहले आता है कि एम पहले आता है? दिस इज फॉर योर होमवर्क. मैम 2-chloroethyl-4-fluoromethylhexane. रॉन्ग, गलत है. एनीवन एल्स? चलो ये आपका होमवर्क है, हम कल डिस्कस करेंगे. 3-5 पहले इथाइल कैसे आ जाएगा बेटा? पहले सी आएगा कि पहले ई आएगा? ठीक है, चलो.